अनिल इन्वेस्ट सम मनी एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इफ द इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द सेकंड एंड द थर्ड इयर्स आर दिस एंड दिस, द इंटरेस्ट एक्रूड इन फोर्थ ईयर इज नियरेस्ट टू। दिस इज एन इजी क्वेश्चन अगेन फ्रॉम SICI का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स अगेन। ऑब्वियसली आपको बिना कॉन्सेप्ट लिए पता करे तो बता नहीं सकते आप, राइट? इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, CI में पहले साल कुछ ब्याज मिला होगा, कुछ इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर वो कह रहा है 806 रुपए मिला है, 25 पैसे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शंस, क्योंकि 931, 926, 234, 29 कुछ कुछ तो गैप है 25 पैसे, और इन सबसे टेंशन नहीं लेना। थर्ड ईयर में 866 मिला है, तो वो पूछ रहा है चौथे साल में क्या ब्याज या इंटरेस्ट उसको मिलेगा, दैट इज आर क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जो भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है अगले वाले साल, 866 कैसे आया, अगले वाले साल उस 806 पर फिर ब्याज लगता है, जो 60 रुपए लगा होगा तभी 866 बना होगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो 806 पे 60 रुपए लगा होगा, अब 806 60 का कितना है परसेंट, वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट परसेंटेज के आने चाहिए, कि अगर हम ध्यान से देखें 806 का 806 का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, यानी 80.7। हमारा नंबर है 60, तो ऑब्वियसली 10% तो हो नहीं सकता। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप मेंटली निकाल सकते हो। अगर आप इसका 7% निकालो, ठीक है, तो 7% इसका 1% 8 होगा, 7% इसका 56 के करीब जाएगा, और इसका 8% आप देखोगे तो 8 8 64 के करीब जाएगा, और हमारा नंबर इनके बीच में है 60 का। एक्चुअली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 7 और 8 के बीच, यानी 7.5% होगा, क्योंकि कैट नंबर्स ऐसे ही देता है। तो 7.5% का ब्याज दर रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 रहा होगा, और यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि 6806 का कितना परसेंट है, ऑल्दो दिस टेक्स टाइम बट इट विल ऑल्सो बी 7.5%। तो अगर आप ये चीजें समझ जाए कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगते हैं, तो आप ये सब मेंटली कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, अगले साल क्या होना है, अगले साल बस ये करना है 866 प्लस इस पर 7.5% इंटरेस्ट और लगाना है, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब या तो आप इस पे 7.5% डायरेक्ट निकाल लीजिए, लेकिन अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पीछे वाली चीजें हैं इनको यूज करूंगा। 866 है क्या, 806 प्लस 66 ही तो है, इस पर 7.5% निकालना है, इसका मतलब 806 पे 7.5% निकाल लूं प्लस 66 पे 7.5% निकाल लूं, आ जाएगा ना। अब 806 पे 806 पे तो हमको पता ही है 7.5% 60 रुपए था, इसका 7.5% तो 60 रुपीज आ गया, प्लस ये 66 नहीं था एक्चुअली 60 था, क्योंकि 866 था ना, तो 806 प्लस 60 था, तो 60 का 7.5% बस इतना निकालना था, क्योंकि 806 का तो 7.5% 7.5% 60 आता है, ये मुझे ऊपर से पता ही है। तो 60 का 7.5% कितना होता है, 60 का अगर 10% लू तो 6 है, तो 7.5% तकरीबन 5 के करीब आएगा, तो बस इनको ऐड ही करना था, 806 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 5, ये है 120 और 5 126 दैट विल बी इक्वल टू, ये 125 है, इनको ऐड करूंगा तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 930, विच विल बी आर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज 931 जो है वो फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आएगा। इसमें सिंपली ये करना था कि जो भी थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 866, उस पर हमें 7.5 इंटरेस्ट और लगाना था, और ये 7.5 इंटरेस्ट हमें मिला था सेकेंड और थर्ड के इंटरेस्ट के डिफरेंस से, क्योंकि सेकेंड में इंटरेस्ट 806 था, थर्ड में 66 था, यानी 60 रुपए का ब्याज लगा था 806 रुपए के ऊपर, वो हमने निकाला था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका मतलब है 7.5% हो रहा है, तो हमने 866 में भी 7.5% ऐड ही करना था, विच विल बी 931, ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी आवर आंसर। सो द क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, यू मे वॉच द वीडियो अगेन एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 इंचेस इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी वेयर एबीसी इज 90 डिग्री, बीसी 10 इज एन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से एक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझ आना चाहिए कि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल होगा, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल, देखते हैं इसमें एक सर्कल हम बना भी पाते हैं कि नहीं,
इट्स ट्राई, मतलब ड्राइंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हालांकि ड्राइंग आपकी अच्छी है तो आप ढंग से बना सकते हो। बी 90 डिग्री है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज सी दिस इज ए, तो ये 90 डिग्री है और इसका जो रेडियस है इसका ये 4 सेंटीमीटर है, 4 इंचेस है कि सेंटीमीटर है, इट डजेंट मैटर मच ऑल्सो, और पूरा बी सी जो है वो 10 है, तो हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट एक सर्कल पे जाते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये सर्कल है, मैं यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो हमें गिवन है कि बी सी 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, तो बी डी क्योंकि ये रेडियस है तो ये 4 है ना, तो ये बाकी का बच गया 6, क्योंकि टोटल जो है वो 10 है, ये 6 हो गया, ऑब्वियसली नीचे वाला ये 4 है क्योंकि ये भी रेडियस है। अब सी से डी, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट ई है, अगर सी डी 6 है तो सी ई भी 6 ही होगा, क्यों, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट सेम सर्कल पे ड्रॉ किए गए एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। एंड सेम वे में ए से ई, अगर मैं मानूं कि एक्स डिस्टेंस है तो ए से यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं सी डी ई एफ, ए से एफ भी एक्स ही होगा, दैट्स द कैच। बस अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू बेस क्या है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या है बी सी विच इज 10 का स्क्वायर विच इज 100, 10 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। लेट्स ओपन दिस, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी 12x, दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 12x है ये 8x है, जब ये इधर आएगा तो ये 4x बचेगा, दैट इज इक्वल टू, इस 16 में से ये 36 में से 16 माइनस करूँ तो ये 20 बचेगा यहाँ पे, ये 20 जब राइट हैंड साइड से जाएगा तो 100 में से 20 माइनस होगा सो इट विल बी 80, सो एक्स विल बी 80/4, इसका मतलब है 20, एक्स 20 आ जाएगा का मतलब है ये जो बेस है मेरा ये 20 है और ये 4 है तो पूरा बेस है 24, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 10 है। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, सिंपल ही है ना, हाफ बेस क्या है 24 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 10, ऐसे काट दीजिए 12, 12 इंटू 10 120, सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड दैट विल बी आर आंसर। इजंट इट एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री,